अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का खैरमकदम स्वागत। दोस्तों, एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एपीओ पेपर होने वाले हैं। उस एपीओ पेपर में जो पुलिस रेगुलेशन है और सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इससे संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर ज्यादा पूछता है, कौन सा चैप्टर कम पूछता है, कौन सा चैप्टर की रिलेवेंस ज्यादा बनती है, कौन से चैप्टर की रिलेवेंस कम बनती है, हमें इस पे फोकस करना है, हमें इस पे नहीं फोकस करना है। कंपटीशन का सबसे बड़ा स्मार्टपन यही दिखाई देता है कि हमें कंपटीशन के लिए एक तरीके से स्मार्ट रहना है। अब जो नए तरीके से अब आयोग का पैटर्न पूरा तरीके से चेंज हो चुका है, जीएस के बारे में हमें जीएस के ऊपर ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है और क्रेडिट के बारे में आपको पढ़ना है और हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है और उसके साथ साथ जो कल्चर है, संस्कृति है, वो भी हमको पढ़ना है। टोटल 150 का सवाल होता है, 150 नंबर होते हैं, 150 का 150 क्वेश्चंस होते हैं, 100 जो लाख का होता है, 50 जीएस का होता है, मुझे वो पढ़ना है। सीआरपीसी और एविडेंस और आईपीसी में बहुत डिप्ली मजबूत तरीके से उसको आपको अध्ययन करना है। दूसरी बात यह है कि आप भारतीय संविधान, उसके भी बारे में, पॉलिटी के बारे में पूछे जाते हैं। ये प्री का सिलेबस है। मेंस में क्या है, मेंस में आपको जो है संविधान निकाल दिए जाएंगे और उसके बाद में यहाँ एक हो जाएगा एक्स्ट्रा हिंदी जुड़ जाएगा, हिंदी जुड़ जाएगा जो कि टोटल 100 नंबर का रहेगा, जीएस भी रहेगा, एविडेंस 100 नंबर का रहेगा, सीआरपीसी और आईपीसी भी एक पेपर होंगे, टोटल 4 पेपर होंगे। और उसके बाद में इंटरव्यू का प्रोसेस है, इंटरव्यू होंगे। ये अब तक हमने आपको ये मोटा मोटा आपको बताया एपीओ के बारे में। हमारे चंडीगढ़ का क्लासेस में एक शानदार फैकल्टी तैयार कर दी गई है। वो शानदार फैकल्टी ये है कि यहां पर जो आईएएस, पीसीएस, पीसीजे, एनजीएस, एपीओ, अदर जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है और साथ ही साथ यहां पे गर्ल्स की अलग पे चलती है और बॉय की अलग पे चलती है। यहां सेपरेट तरीके से, सुनियोजित तरीके से क्लासेस चलते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था की गई है, यहां ऑनलाइन क्लासेस चलती है। वीकली टेस्ट करवाया जाता है, उसको नोट्स भी दिए जाते हैं और ये एक अच्छी पहल है कि यहां पर स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन कर लेता है और उसका एक साल उसकी क्लासेस जो है पूरे तरीके से फ्री कराया जाता है, पूरी क्लास के फ्री मिलते हैं और उसके जो एक अच्छी जो वो व्यक्ति फ्री क्लास मिलते हैं जो सोशल होते हैं, अल्पसंख्यक हैं, ओबीसी हैं और दलित वर्ग हैं, इनके लिए बहुत स्पेशल प्रोविजन रखा गया है। दोस्तों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज पुलिस एक्ट पर बात करूंगा। पुलिस एक्ट के बाद मैं करूंगा जो कि ये पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस अधिनियम 1861 इसमें जो है कितने चैप्टर्स हैं, कितने पैरा हैं, इसके बारे में बात करें।